IAS RAS तथा CET की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जहां चुरू जिले के सरदारसर के SBD राजकीय महाविद्यालय में IAS RAS तथा CET की निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर विनोद कुमार स्वामी ने बताया कि कॉलेज शिक्षा राजस्थान से प्राप्त पत्र के अनुसार राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी एक पहल द्वारा विद्यार्थियों के लिए IAS RAS CET प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कर विद्यार्थियों के पंजीकरण प्रारंभ कर दिए हैं। कोचिंग कक्षाओं का प्रसारण उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रतिदिन 3 घंटे की कक्षाओं के लिए उपस्थित रहना होगा। एसोसिएट प्रोफेसर गजानंद शर्मा ने बताया कि प्रत्येक महीने में टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुस्तकें निःशुल्क सोसाइटी द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से भेंट की जाएगी। कार्यक्रम के संयोजक अमरचंद कुमावत ने बताया कि कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी महाविद्यालय में कमरा नंबर 4 पर संपर्क कर सकते हैं। SBD राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर में आयुक्तालय के निर्देशों के अनुरूप IAS RAS और CET इन परीक्षाओं के लिए लाइव क्लासेस जो कि राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी का एक पहल कार्यक्रम है उसके तहत संचालित की जाएगी और महाविद्यालय में इन कक्षाओं का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं और महाविद्यालय की वेबसाइट पर गूगल लिंक के माध्यम से विद्यार्थी है इसका पंजीकरण करवा सकते हैं और जितने विद्यार्थी पंजीकृत होंगे उसके हिसाब से जो सोसाइटी है राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी उसके द्वारा एक पैनल उपलब्ध करवाया जाएगा विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए और फिर महाविद्यालय में लाइव प्रसारण के लिए एक कमेटी बनाई है। प्रिंसिपल सर विनोद जी स्वामी ने एक संयोजक नियुक्त किया है और एक संकाय सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, तो इसमें विद्यार्थियों को IAS RAS तथा CET इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइव प्रसारण के लिए महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा और इसमें फीडबैक के आधार पर सभी के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिए गए हैं और इसमें हर महीने के लिए टेस्ट आयोजित होंगे और जो विद्यार्थी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर रहेंगे उनको जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।